हेलो जी नमस्कार सलाम सत विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के जितने भी राजा बेटा रानी बेटियाँ मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं उन सबको वॉम वॉम वेलकम विजय कुमार जी समायरा विशाल कृष्णा आदिति आनंद चौहान कमील दीक्षा सौरभ ज्योति अब्बास अली चंद्रिका वांडफुल जी कैसे हैं आप सब लोग आज का लेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन क्या है क्लीवेज क्या है इम्प्लांटेशन क्या है ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं सारे लेक्चर्स प्ले में अवेलेबल हैं चैनल को एक्सप्लोर करके आप देख लीजिएगा जिन्होंने किसी कारणवश पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है सब ठीक है जी शिवम बेटा राइट right? चलो अपने हर लेक्चर की शुरुआत मैं किसी न किसी प्यारी सी कोटेशन से करता हूं तो आज मेरे पास क्या कोटेशन है वो बताता हूं आपको अभी थोड़ी देर में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में मेरे पीछे क्या चल रहा है इस समय टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है ना आज हम ये भी जान सकते हैं कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे वो एक सिंगल सेल्डोट एक भ्रूण बन जाता है और फिर वो एक न्यू बॉर्न बेबी का रूप ले लेता है कौन से महीने में बच्चे का दिल धड़कना शुरू करता है प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में बच्चा यूरिनेट भी करता है जानते हैं आप ही जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बेबी पासिस आउट यूरिन ऑल्सो मिकचूरेशन इट बिगेन्स ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ ऑफ इंट्रा यूटरा लाइफ बच्चे के शरीर पे बाल भी होते हैं देर इज फाइन कोटिंग ऑफ सिल्की हेयर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज के सेशन में बताने वाला हूं चलो एक प्यारी सी कोटेशन। सुबह पढ़ो या रात को कुछ बच्चों को सुबह पढ़ने की आदत होती है कुछ रात में पढ़ते हैं सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को अल्टीमेटली मकसद तो यही है कि भाई हमें ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है इनफैक्ट आज ही मैं फेसबुक पे अपने एक पुराने स्टूडेंट का पोस्ट देख रहा था आकाश सिंगल डॉक्टर आकाश सिंगल, एम कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं उसके बाद नियोनेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं एम्स से तो मुझे बड़ा गर्व हुआ बड़ा अच्छा लगा देख करके तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज भी मैंने उन्हें भेजा तो मेरा मन है कि किसी दिन ना मैं आप लोगों के सम्मुख उन सभी स्टूडेंट्स को भी एक एक करके लेके आऊं जो मुझसे पढ़ चुके हैं जो आज बेहतरीन डॉक्टर्स हैं वो स्वयं आपको कुछ मोटिवेशनल बातें बता पाए उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा जब वो अपने टाइम पे ए आई नीट की तैयारी कर रहे थे एम बीबीएस करते समय उन्हें क्या मुश्किलें आईं और आज मेडिकल के क्षेत्र में जब वो एक, एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुके हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है अक्षय चौधरी सुष्मिता विनोद राहुल सो so, मैं डेफिनेटली आप लोगों को ना एक एक करके मिलवाऊंगा अपने सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में उनकी संख्या थाउजेंड्स में होगी तो कोशिश करेंगे जितने भी लोग अवेलेबल हो पाए और आपसे वो मुलाकात कर पाए ये हमारी बेहतरीन टीम है जी जो सोमवार से शुक्रवार आपकी सेवा में है जनमानस की सेवा में है जिनका ये भरसक प्रयत्न है कि आप लोगों को एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनाना है आपके फेवरेट पुष्पेंद्र सर जुआलॉजी में विवेक सर केमिस्ट्री में डॉक्टर पंखुरी मिगलानी स्पेशलिस्ट इन बॉटनी एंड अनुश्री मैम हु स्पेशलाइजेज इन ऑल दी इंट्रिकेट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एंड मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके साथ ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लाइव होता हूं आकाश बाईजूस की ये ऐप एंड्रॉइड फोन में या आईफोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप के जरिए हम आपको पंद्रह दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं जरूर एक्सप्लोर करके देखिएगा आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनिमेशन स्कल क्रशर क्वेश्चन हर तरह के सवाल यहां पर मिलेंगे ऐप को डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को जरूर कर अपनी मुद्दे की बात पे क्लास ट्वेल्थ की एनसीआर यूनिट सिक्स रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आपके साथ कवर हो चुका है प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अवेलेबल है

ब्रून के बनने में अलग अलग स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो गैमिट्स का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है में, के स्पर्म्स होते हैं। थोड़े बहुत स्पर्म्स तक पहुंच पाते हैं है ना? और जो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है ओवरी से उसको कैप्चर करने के लिए फिमरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब प्रयत्न करते हैं फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं एम्पोला के फेलोपियन ट्यूब में होता है या एम्पुल सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम जयगोट कहते हैं पहला क्लीवेज डिवीजन जो होता है थर्टी हो सेल्स बनते हैं, हैं क्लीवेज के समय उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है धीरे धीरे क्लीवेज कंप्लीट होता रहता है और एक मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर मलबेरी लाइक शैतूत का जो फल होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे मोरुला कहते हैं मोरुला परिवर्तित होता है ब्लास्टुला में मैमल्स में ही ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं ब्लास्टुला के अंदर के सेल्स अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं कि एक बाहर वाली लेयर बन जाती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और कुछ सेल्स एक कोने में अंदर की तरफ चिपक जाते हैं जिसे आईसीएम या इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट प्लेज़ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ का एम्ब्रियो बनाने में कोई योगदान नहीं होता इट फॉर्म्स एंड पार्ट ऑफ ब्लास्ट से बनता है थैंक यू सो मच अंकित अंश अरोड़ा जी कैसे हैं माई राजा बेटा आई होप यू अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स बढ़िया से नीट की तैयारी चल रही है ना दैट्स ग्रेट ओके सो

and it is completed by the end of 10th day with respect to fertilization hello akshay clear hai ji aasta beta right implantation tak clear ho gaya implantation hona kyun zaruri hai agar implantation hoga tabhi to ek hormone secrete hoga hcg human chorionic gonadotropin याद है ना आपको sumit presence of this hormone in the urine of a female is taken as positive test for प्रेगनेंसी हेलो हर्षवर्धन और इम्प्लांटेशन के समय भ्रूण जो है एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से सिंक कर जाता है डूब जाता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ये डिवाइडिंग जाइगोट जो है देखिए आगे आगे बढ़ता जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में और अल्टीमेटली आप देखिए यूट्रस की वॉल के साथ जाके चिपक जाता है इंप्लांटेशन के लिए किसी और जगह में यह डेवेलप नहीं कर सकता अगर यह फेलोपियन टूब की वॉल के साथ चिपक जाए तो ट्यूबल प्रेगने टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रणव क्लियर है जी राइट right? अनिकेत ने सही कहा ग्रेविंडक्स टेस्ट कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एच सी जी इन दूरीन ऑफ अ फीमेल राइट सो अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को भाई एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से धीरे धीरे प्रेगनेंसी के इन 9 महीनों में एक कंप्लीट बेबी डेवलप हो जाएगा हमने यही जानना है स्टेप बाय स्टेप इन 9 महीनों में जिसे हम अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में बांट देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर समझते हैं तीन महीनों के समूह को ट्राइमेस्टर कहा जाता है ठीक है जी अब इम्प्लांटेशन हमने पढ़ लिया इम्प्लांटेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है विच इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन पहले बना जाइगोट क्लीवेज हुआ बना मोरूला मोरूला से बना ब्लास्टुला ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला तीन जर्म लेयर्स होती हैं जिसमें एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म वही हमने समझना है कैसे वो जर्म लेयर्स बनती हैं और पूरे भ्रूण को कवर करती हुई और भी मेंब्रेनस होती हैं Membranes, amnion, chorion, yolk sac, इन सब के functions क्या है? ये भी भी हम जानेंगे. So सुमित, कमील, अनिकेत, हाँ, के बारे में बताऊंगा फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट गर्भावस्था के तीसरे हफ्ते में गेस्ट्रोलेशन होता है लगभग पंद्रह दिन फर्टिलाइजेशन के बाद ठीक है अब आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिए थ्री डायमेंशनल वे में आपको दिखाया गया है के अंदर का दृश्य की बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट है कोने में कुछ सेल्स चिपके हुए जिसे इनर सेल मास कहते हैं और ब्लास्टूला की कैविटी को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी अब होना क्या है जो इनर सेल मास वाले सेल्स है ना आईसीएम वाले इनर सेल मास के सेल्स अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज करते हैं टॉल कॉलिमिनर सेल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिसे एपिब्लास्ट कहते हैं एंड नीचे की तरफ छोटे साइज के सेल्स अरेंज हो जाते हैं जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं तो सादी भाषा में याद रखो, टू फॉर्म सिलेंड्रिकल सेल्स लंबे टॉल कॉलिमिनर सेल्स राइट ये टॉल कॉलिमिनर सेल्स कहलाते हैं epiblast. क्या कहलाते हैं जी ऊपर वाले सेल्स एपीब्लास्ट और जो नीचे की तरफ लो क्यूबॉइडल सेल्स हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट क्लियर है जी याद रहेगा इतना एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट याद हो गया कहां से बने? इनर सेल मास के सेल्स से दो लेयर्स बन गई हैं फिर क्या होता है एपीब्लास्ट के सेल्स के बीच में एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है

हाइपोब्लास्ट से एम्ब्रियो नहीं बनता हाइपोब्लास्ट प्राइमरी योक बनाती है हाइपोब्लास्ट क्या बनाती है नोट्स में लिखो हाइपोब्लास्ट फॉर्म्स प्राइमरी योक सैक द एम्ब्रियो जो भ्रूण है वो एपिब्लास्ट से बनेगा ई से एपिब्लास्ट ई से एम्ब्रियो ऐसे याद रख लो एपिब्लास्ट से ही तीन जर्मिनल लेयर्स बननी है एक्टोडम मीजोडम एंडोडम राइट एक्टोडम एंडोडमी ब्लास्ट के सेल्स के बीच में ऐसे एक कैविटी आती है और उस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूड भर जाता है विच एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर एंड इट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फीचर्स उसके बाद ईपी ब्लास्ट विल अंडरगो फर्दर डिविजन

डिस्क ब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट को इकट्ठा हां एम्यू के बारे में भी आगे, आगे आपको बताऊंगा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, नीट पोस्टपोन होगा नहीं बेटा इसकी कोई संभावना नहीं है कि नीट पोस्टपोन होगा ट्रांसफॉर्म कर जाती है इनटू ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसमें तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म ये तीनों जर्म लेयर ईपी ब्लास्ट से बने हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स तो डिवाइड करके पूरा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं प्राइमरी योग सैक जो ईपी ब्लास्ट है ना वहां पे तीन जर्म लेयर्स बननी ले कौन सी है तीन जर्म लेयर्स लेक्टोडम मीजोडम एंडोडम और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरे का पूरा शरीर बनता है अब आप देखो कितनी खूबसूरती से ये डायग्राम दिखाया गया है आपको यहां पे नजर डालिए बेटा ये तीन जर्म लेयर्स दिख रही हैं एक्टोडर्म इसके नीचे मीजोडम और सबसे नीचे एंडोडर्म राइट ईपी ब्लास्ट के सेल्स थे डिवाइड करते करते गए करते गए और तीन जर्म लेयर्स ये बना डालेंगे अच्छा प्लेसेंटा के बारे में भी अभी मैंने आपको बताना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज राइट आप मेरे पीछे ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना भ्रूण है उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड ने उसे प्लेसेंटा से जोड़ा हुआ है प्लेसेंटा इज दिश्यू इन द बॉडी विच हैज सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअलेंट जेनरेशन प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी फीटोमेटर कनेक्शन जिसका हम आगे जिक्र करेंगे एंड प्लेसेंटा वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अब हमने इस पूरी चीज को एक थ्री डी वे में आपको दिखाया कि यूट्रस के अंदर कंप्लीटली देखिए अब क्या क्या बदलाव हो रहे हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज जो है दिस इज ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस ये अंदर है जो एक्चुअल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है प्लेसेंटा कहां पे है मैं आपको लेबल करके दिखाता हूं ये रहा जी प्लेसेंटा ये ये पूरी चीज ऐसे करके मार्क करिए ना हमने प्लेसेंटा इज द ओनली टिश्यू इन द बॉडी विच हैज सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट जनरेशन प्लेसेंटा बच्चे के साथ कैसे जुड़ा है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की नाभि के साथ नेवल के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस को जोड़ रही है प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं एक अम्बिलिकल वेन है जिसका हम जिक्र आगे करेंगे हां प्रिमेटिव स्ट्रीक कैसे बनता है ये भी बताऊंगा हर्षवर्धन ने कहा प्लेसेंटा एक टेम्परे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है बिल्कुल सही बात है चलो गेस्ट्रोलेशन का जिक्र कर रहे हैं जो प्राइमरी जर्म लेयर्स मैंने कही थी वो तीन मेजर एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं जिससे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे एक्टोडर्म से हमारी स्किन बनती है एंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम एंडोडर्म से हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम मीजोडर्म से मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स बन जाते हैं एम से मीजोडम एम से मेजोरिटी ऐसे याद रख लो मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ज़्यादातर जितने भी सिस्टम्स हैं ना वो मीजोडम से बनते हैं क्लियर है जी राइट right? अनिकेत ने कहा फर्स्ट एविडेंस ऑफ गेस्टुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक बिल्कुल सही कहा आपने अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है समझो बहुत सी बुक्स में ये नाम आपको देखने को मिलेगा होता क्या है कि जो हमारी ईपी ब्लास्ट है ना के बीच में ऐसे एक डिप्रेशन जैसी चीज आने लगती है ये ये नीचे को एक groove जैसी चीज बन बन जाती है। ये जो groove बन जाती है है जो ना यही है primitive streak. Cells inward side में माइग्रेट करना शुरू करते हैं राइट right? लिखा है ना इपी ब्लास्ट जो है सून इट इज गोइंग टू बिकम राइट और नीचे जो एंडोडम के सेल्स हैं इन्होंने रिप्लेस कर दिया है हाइपोब्लास्ट को सेल्स ऑफ एंडोडम आर गोइंग टू रिप्लेस हाइपोब्लास्ट एक और व्यू में देखो कितना दिखाया गया रीअरेंजमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम दी ब्लास्ट लेविडेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक आस्था कह रही है सर ये जर्म लेयर्स के एग्जाम्पल नहीं याद रहते भूल जाते हैं आप चिंता नहीं करो मैं कोशिश करूंगा पूरी आपको याद रखवाने की लिख लिख के याद करो जिंदगी में जो भी चीज आपको लगता है ना हम भूलते हैं लिखो उसे लिखने की प्रैक्टिस करो फिर नहीं भूलेगी वो ट्रस्ट मी वॉट इज दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक इट इज अ फेंट ग्रूव ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द ईपी ब्लास्ट एक हल्का सा फेंट ग्रूव है ग्रूव मतलब ऐसे जैसे गहराई जैसी चीज बन जाती है ईपी ब्लास्ट के डॉर्सल सरफेस में दैट इलागेट फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सेल्स नीचे नीचे डिटैच करते जाते हैं अच्छा ये वाले जो डायग्राम्स है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप इन्हें इतमिन से ध्यान से प्रिंट आउट निकाल के समझिएगा एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर पाने का उतना समय नहीं होगा मेरे पास है ना अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो में प्रिमिटिव स्ट्रीक दिख रही है आप ये जो ऊपर वाला नीला नीला पोर्शन है ना ये सब ईपी ब्लास्ट है अब आप देखो उसमें एक चीरा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कट लग रहा है ये जो लाइन आगे को पोस्टीरियर टू एंटीरियर बढ़ती जा रही है ना ये सेल्स नीचे नीचे को जा रहे हैं गहराई में और वो जो सेल्स नीचे नीचे जा रहे है ना वही एंडोडर्म है एक बार पूरी एंडोडर्म कट जाएगी उसके बाद मीजोडम और मीजोडम बन जाने के बाद ईपी ब्लास्ट जो नीली वाली चीज है जितना बाकी बच जाएगा ना इसी को एक्टोडम कह देते हैं क्लियर है जी राइट मेरे बच्चे अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो साथ के साथ लाइक्स भी आने चाहिए यार जल्दी से प्यारा सा आप अपना लाइक जरूर यहां पे दबाते रहिए लाइक का बटन ग्रेट चंद्रिका आपको पीडीएफ कहां मिलता है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन करने का जो लिंक है हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं वहां पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते हैं आपके साथ ठीक है मेरे बच्चे सुनो अब मेरी बात आगे द प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लियरलीस दी हेड एंड द टेल एंड ऑफ द एम्ब्रियो एज वेल एज राइट एंड लेफ्ट साइड अब आपको यहां पे दिख रहा है जो आगे की तरफ जिधर को प्रिमेटिव स्ट्रीक बढ़ रही है वो हेड बन जाएगा और पीछे की तरफ जो है वो टेल बन जाती है

क्लियर है जी ये इस चीज को पे न्यूरल ग्रूव कहते हैं ये वाली चीज दिसमिटिव स्ट्रीक बन जाने के बाद क्या हो रहा है अब आप देख रहे हैं नीले नीले सेल्स हैं यहां से कुछ सेल्स डिटैच होके नीचे कंप्लीट लेयर बना देंगे ये, ये पूरी लेयर बन गई देखा आपको हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया ये एंडोडम बना था After the formation of the primitive streak, cells of the epiblast move inward, and they detach from the epiblast. This process is called invagination. Right? राइट ये इनवेजिनेशन है सौरव बिल्कुल मिलता है जी आपको आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको पी नहीं मिला आप चेक कीजिए एक बार दोबारा ठीक है विजय इज इट क्लियर बच्चे ना no. अब एक बात और ध्यान से सुन लो सेल्स दैट डिस्प्लेस दाइपोब्लास्ट दे सबसे पहले बनी एंडोडम सेल्सिंग बिटवीन ईपी ब्लास्ट एंड न्यूली फॉर्म एंडोडम देर गोइंग टू फॉर्म द मीजोडम जो रिमेनिंग सेल्स बच गए ईपी ब्लास्ट में दे आर गोइंग टू फॉर्म एक्टोडम राइट एक्टो सबसे बाहर वाली मीजो मिडल वाली एंडो सबसे अंदर वाली एक बार फिर से देख लीजिए जो बात मैंने आपको कही Primitive streak से ऐसे सेल्स डिटैच करे थे सबसे पहले नीचे बन चुकी है clear, फिर हमने ऑरेंज कलर से जो दिखाए अब आप जो देख पा रहे हैं देखिएगा ये सेल्स जो निकले ऑरेंज ऑरेंज हो गए दिस इज मीजोडम इज इट क्लियर टू यू इन एनिमेशन के जरिए आपके दिमाग के कपाट खुल जाते हैं आपको समझ आ जाता है थ्री डायमेंशनल वे में चीजें हो कैसे रही हैं अदरवाइज अक्सर आप रट लेते हैं चीजों को रटना नहीं है एम्ब्रियोलॉजी में समझना बड़ा जरूरी है बताओ मुझे सबको समझ आ गया अच्छे से राइट right? एक बार आप अपने केक्स एंड कैंडीज एंड हार्ट भेजिए आपके सामने डायग्राम चल रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं इधर देखो एक और खूबसूरत सी वीडियो देखो छोटी सी एक्टोडम एंड एंडोडम एक्टो और एंडो आर एपिथिलियल सेल्स टाइटली पैक्ड सेल्स एक्टो और एंडो टाइटली पैक्ड है लेकिन मीजोडम जो होता है ना मैंने पहले भी बताया था मीजोडम इज लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो मीजन कायम है मीजोडम में लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए मीजन कायम वर्ड भी यूज कर रहे हैं उसके लिए अब आता है कि इन जर्म लेयर्स से क्या क्या बनेगा गैस्ट्रोलेशन हुआ तीन जर्म लेयर्स बन गए एक्टोमीजो एंडो इन्हीं तीनों से पूरा शरीर बनना है एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूं एक्टो सबसे बाहर वाली है है ना एक्टोजर्नली बाहर के लिए वर्ड यूज करते हैं सो so, सबसे बाहर हमारी स्किन है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एक्टोडर्मल है और नर्वस सिस्टम ध्यान रखना हमारा नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्मल है एंडो सबसे अंदर है जो तो सबसे अंदर हमारी एलिमेंट्री कनाल है हमारा शरीर ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान है ना तो जो सबसे अंदर वाली ट्यूब है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो एंडोडम से बना है तो आप देख पा रहे हैं एंडोडम से डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं और इमेजिन कर लो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हमारे लंग्स भी हैं यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी एंडोडर्मल होता है थायराइड ग्लैंड के सेल्स भी एंडोडर्मल है आप सिस्टम वाइज याद रखें तो याद रख लो एंडोडर्म से हमारा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एम से मीजोडम एम से मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम मीजोडर्मल है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम ये देख लो मसल फाइबर्स में पड़ा था ना मीजोडर्म से बनते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी हो गया कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में रेड ब्लड सेल्स तो एम से मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम आर मीजोडर्मल अनिकेत क्लियर है अनिकेत ने लिखा रेस्पिरेटरी एंड गेस्ट्रो इंटोस्टल ट्रैक्ट एंडोडर्म से है इरा इराखान से इट. ओके, ग्रेट, मजा आ रहा है चलो अब आगे सुनो एक्टो सबसे बाहर वाली एक तो ये पिगमेंट बता दिया ना स्किन के और नर्वस सिस्टम यही बातेंट्री सिस्टम नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल। ये जरूरी नहीं होता बेटा का पूरा सिस्टम ही एक से बनेगा ऐसा भी होता है कि एक ग्लैंड जैसे कॉर्टेक्स है। ग्लैंड के दो रीजन होते हैं ना एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेडुला

राइट right? आस्था याद रहेगा बच्चे प्रवीण चंद्रिका चलो आगे बढ़ते हैं हम यहां पे आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार एक एम्ब्रियो कंप्लीटली सराउंडेड है प्रोटेक्टिव लेयर्स से चारों तरफ मदर की ब्लड वेसल्स जो हैं अब वो फैल रही हैं मेटरनल साइनोसॉइड बिकॉज अल्टीमेटली आप देख रहे हैं यहां पर अंबिलिकल आर्ट्रीज है अंबिलिकल वेन है सो so ये ब्लड सर्कुलेशन बच्चे का स्टैब्लिश हो गया मदर का और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है मदर का और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है केवल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फ्रॉम द मेटर्नल साइड टुवर्ड्स द फीटल साइड एंड फ्रॉम द फीटल साइड टुवर्ड्स द मेटर्नल साइड

वंडरफुल जी आगे बढ़े एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जब हम जिक्र करते हैं तो कोरियोनिक आपको सबसे पहले बताई थी पिछले सेशन में बताई थी मैंने अगर हमसे पूछा जाए विच इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है कोरियोन जो साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से मिलके बनती है अब योग सैक भी मैंने बता दिया हाइपोब्लास्ट इज गोइंग टू फॉर्म द योग सैक एमनियॉन भी बता दिया कि ईपी के सेल्स के बीच में एमनियॉन बन जाती है एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूड भरा होता है फ्रॉम द वॉल ऑफ द योग सैक अ स्मॉल वेस्कुलराइज आउट पाउचिंग कॉल्ड एलन दैट एक्सटेंड इन द कनेक्टिंग स्टॉक तो एलन जो है ये डेवेलप होता है इन मोस्ट ऑफ द अदर मैमल्स एलेंटॉय यूज फॉर गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल ज्यादातर मैमल्स में एलेंटॉयस गैस एक्सचेंज वेस्ट रिमूवल एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर का काम करती है ह्यूमन्स केस में यह सारे काम तो प्लेसेंटा कर लेते हैं सो एलेंटॉयस इज नॉट अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूम प्लीज रिमेंबर

अक्षय आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं ग्रेट जी द ब्लड एंड डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ह्यूमंस के प्रोमिनेंट के नहीं है श्रीधा निधि ने सही लिखा है ग्रेट जी डायग्राम्स पसंद आ रहे हैं सूरज को दैट्स ग्रेट चलो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं uh,

कि एचसीजी प्रेजेंट है या नहीं है व्हाट इज दैट टेस्ट कॉल्ड बताइए जल्दी से वंश नजमा हर्षवर्धन अनिकेत आस्था सचिन अनुराग सुमित हृतिका आसिफ सबने सही लिखा है ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलते हैं याद हो गया आपको अच्छे से ठीक है जी चलो आगे बढ़ सकता हूं प्रेगनेंसी नौ महीनों की है ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर नाइन मंथ्स है ना लेकिन मैं आपको बात बताऊं ज्यादातर बच्चे जो हैं मोस्ट ऑफ द बेबीज आर बॉर्न प्लस माइनस टू वीक्स दो हफ्ते पहले भी पैदा हो जाते हैं दो हफ्ते बाद भी जरूरी नहीं स्ट्रिक्टली सब में नौ महीने की ही प्रेगनेंसी होगी लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन कौन से बदलाव होते हैं जो चालीस हफ्ते लेते हैं ना हम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्टी वीक्स होते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से स्टार्ट करते हैं एल एन एम पी से लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड डू यू नो ये फोर्टी वीक्स हम कहां से कैलकुलेट uh, करते हैं मेरी बात सुनिए ध्यान से बच्चे 40 weeks हमने कहां से आप आप एक एक हैं आपके पास एक आती है तो अब आप कैसे बताएंगे कि उसकी expected date of delivery क्या होगी आप सबसे पहले उससे ये सवाल थोड़ी पूछेंगे आपका ओवुलेशन कब हुआ था आपका फर्टिलाइजेशन कब हुआ था एक पेशेंट आपको ये थोड़े बता पाएगी तो आप तो उससे यही पूछेंगे ना कि आपका लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे हम एल एन एम पी कह देते हैं क्या कहते हैं जी से एल एन एम पी लास्ट नॉर्मल पीरियड कब हुआ है सो पेशेंट टेल्स यू इट वाज फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर इफ द पेशेंट टेल्स यू की उसे लास्ट मेंसेस लास्ट नॉर्मल पीरियड फिफ्टींथ डिसेंबर टू को हुआ है उसमें आपने चालीस हफ्ते जोड़ देने हैं ठीक है जी क्लियर है सॉरी सो ह्यूमन प्रेगनेंसी आस्था ने सही लिखा लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड सब समझ गए मेरी ये बात पेशेंट आपको ये थोड़े ना बताएगा कि भाई मुझे ओवुलेशन कब हुआ था फर्टिलाइजेशन कब हुआ इम्प्लांटेशन हाउ डज द पेशेंट नोज ऑल दैट वो तो सिंपली आपको ये कह देगी कि डॉक्टर साहब मुझे जो लास्ट पीरियड्स हुए थे वो 15 दिसंबर को पिछले साल हुए थे 2021 में तो अब आप कैलकुलेट कर लो कि भैया कब होगा उसका बेबी डिलीवर है ना रजिस्ट्रेशन पीरियड आपको समझ आ गया चालीस हफ्ते है तो फोर्टी वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम एल एन एम पी इज इट क्लियर जी राइट right? अगर आप सबको क्लियर है एक बार साइन भेजिए मुझे चैट बॉक्स आप नौ महीने क्लियर हो गए तो ना तो नाइन इंटू फोर आप कहेंगे थर्टी सिक्स वीक्स होने चाहिए ज्यादा कैसे हो गए हैं वो इसीलिए बिकॉज हम कैलकुलेट कर रहे हैं एल एन एम पी से लास्ट नॉर्मल मैंट्रल पीरियड से तो अब हम कहते हैं कि भाई तीन ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दो प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर मतलब तीन महीनों का समूह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला दूसरा और तीसरा महीना दूसरे ट्राइमेस्टर में चौथा पांचवा और छठा महीना तीसरे ट्राइमेस्टर में सातवां आठवां और नौवां महीना अब जब पहला महीना कह रहे हैं इसका मतलब जीरो से फोर वीक्स दूसरा महीना पांचवें हफ्ते से आठवें हफ्ते तक तीसरा नौवे से तेरहवें तक इस तरह से कैलकुलेट करना है क्लियर है अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बदलाव बताता हूं सुनो फर्स्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन गैस्ट्रोलेशन चेंजेस देखते हैं जल्दी से भ्रूण में क्या क्या होने वाले हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट मंथ में पहले महीने में ट्राइमेस्टर कौन सा पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट मंथ फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट वेरी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है बच्चे का दिल पहले महीने में ही बन जाता है दिल की धड़कन आप स्टेथोस्कोप से पहले महीने में सुन सकते हैं द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटर्स ये क्वेश्चन नीट में आया है ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है

ग्रेट और आप लेटेस्ट भी देखो ना सिर्फ पुरानी नहीं देखनी लेटेस्ट वीडियोस भी देखिए साथ में ये कितने है, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है नोट्स हैं और कहा ऐसे नोट्स चलो एक और बेहतरीन सी एनिमेशन आपको दिखा रहा हूं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सोमाइट्स भी आपको बनती हुई नजर आ रही हैं जो बाद में धीरे धीरे यहाँ पे वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी बन जाएगी है ना दिख रहा है कितना क्लियरली ये एम्ब्रियो बन रहा है फिर एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग भी होती है शुरुआत में एम्ब्रियो सारे कॉर्डेट्स जैसे फीचर्स शो करता है 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 दिल दिख रहा है आपको ये हार्ट हार्ट छोटा सा नन्ना सा नन्हा का बनना जरूरी है क्योंकि ये मल्टी सेलर हो गया है है ना सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए तो हर जगह न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती कोई पंपिंग डिवाइस होनी चाहिए सो दिल बहुत जल्दी बन जाता है ताकि वो धड़क के सब जगह ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुंचा सके मजा आ रहा है एक फीलिंग आ रही है कि एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं दिस इज हाउ आई टीच इन माय क्लासेस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आकाश बाई जूज नीट ऐप अपने एंड्रॉयड फोन में अपने आईफोन में जरूर इंस्टॉल कर लो और फिर देखो भाई वहां पे किस प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं कितने बेहतरीन डायग्राम्स बेहतरीन एनिमेशन जो आपके दिमाग के कपाट खोल देंगे पहला महीना हुआ जी गर्भावस्था का अब आ जाते हैं गर्भावस्था के दूसरे महीने में मतलब सेकेंड मंथ लेकिन ट्राइमेस्टर अभी पहला है क्योंकि एक ट्राइमेस्टर में तीन महीने हैं तो पहले ट्राइमेस्टर का दूसरा महीना यानी आठवां हफ्ता

अपने आप में और लिंब बर्ड्स बननी शुरू हो जाती हैं इसमें ग्रेट दिख रहे हैं कि डिजिट्स भी बन रही हैं ऐसे उंगलियां कैसे पहले वेब जैसी चीज है फिर बच्चे की कंप्लीट उंगलियां बन गई हैं ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है गौर से देखो आपको अंबिलीकल कॉर्ड भी नजर आ रही है बच्चे का हाथ कैसे बन रहा है इतनी ब्यूटिफुल सी लेक्चर्स के लिए आपके लाइक्स तो बनते हैं यार और ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया करो आर्यन कह रहे हैं सर क्या मुझे कुछ टिप्स मिल सकती हैं 2024 में नीट के लिए आई एम है टू थाउजेंड ट्वेंटीस जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है सिंसियरली डेडिकेटेड होकर के लेक्चर्स अटेंड कीजिए आपको एकदम से हर चीज समझ आएगी कौशिकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी क्रूशियल बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी क्रूशियल बिकॉज उस समय जो है सेल्स आर डिवाइडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो डेवलपिंग बेबी को एबनॉर्मल कर सकते हैं टेराटोजन्स कहते हैं ना टेराटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। टिराटोजन क्या होते हैं फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर अगर सर्टन ड्रग्स लेती है एंटीबायोटिक्स लेती है जैसे थे अगर प्रेग्नेट फीमेल वो ले लेती है तो बच्चे के हाथ पर डेवलप नहीं होते फोकोमीलिया कहते हैं थेलिडोमाइट बेबी कहते हैं क्लियर है जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी क्रूशियल आपने सुना होगा प्रेग्नेंट फीमेल्स को कोई दवाई अपने आप नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स बिकॉज एंटीबायोटिक में फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फीटल सेल्स एंड द बैक्टीरियल सेल्स एंड एंटीबायोटिक कैन एक्सीडेंटली स्टॉप द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फीटल सेल्स ऑल्सो सो इवन एक सरदर्द की गोली भी अपने आप नहीं लेनी डॉक्टर से पूछ के लेनी है क्लियर है मेरे बच्चे राइट right? नाउ तीसरा ट्राइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर का तीसरा महीना इस समय इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है एक्सटर्नल जेनिटल आर एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बच्चे के बन जाते हैं तो एम्ब्रियो में धीरे धीरे ये बदलाव होते जा रहे हैं हां नीट 2023 आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप अभी शुरू करें बिल्कुल कर सकते हैं जी आप जुड़ तो चुके हैं हमारे साथ चलो इधर देखो जी ये नन्हा मुन्ना बच्चा देखो अपना अंगूठा भी चूस रहा है ऐसा भी होता है मदर के यूट्रस में भी बच्चा जो है अपना अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है uh, मैंने आपसे कहा था ना नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन बच्चा अपना अंगूठा क्यों मुंह में डालता है इसकी वजह भी आपको बताऊंगा और uh, हमारे हाथ में ये रेखाएं क्यों होती हैं हमारी हथेलियों में इसकी भी वजह बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है हाउ इज इट रिलेटेड टू आर प्राइमेट आरबोरियल एनसेस्ट्री

राइट जी बच्चे के मुंह में फ्लूड जाता है बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूड है ना उसमें बच्चे का खुद का यूरिन भी है वो बच्चे की सारी बॉडी ओपनिंग्स में एंटर करेगा मुंह में भी नाक में भी कान में भी सेकेंड ट्राइमेस्टर का पांचवा महीना प्लेसेंटा इज फुली डेवेलप्ड एंड प्लेसेंटा इज दी

फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड दरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट में यह क्वेश्चन आया है बच्चे के सिर पर बाल किस महीने में आ जाते हैं पांचवें महीने में और बच्चे की मूवमेंट कब शुरू हो है? जाते हैं देखे ना बच्चा हिलडुल रहा है किक भी करता है पांचवें महीने पर इज इट क्लियर जी राइट right? टिंग ऑफ सिल्की हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द फीटर्स दैट फाइन कोटिंग ऑफ सिल्की हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द फीटर्स इज कॉल्ड लेनूगो बच्चे की स्किन पे बाल होते हैं नाजुक से सिल्की हेयर उसे लेनुगो कहते हैं बिकॉज हम प्राइमेट्स रहे हैं एंड वी आर प्राइमेट्स एंड ह्यूमन एब्स गोरिलेटेड और उनके शरीर पे बाल हैं तो ये फीचर हमें हम भी आता है आस्था बेटा इज इट क्लियर राइट right? अब हम बढ़ गए हैं छठे महीने की तरफ सेकेंड ट्राइमेस्टर का मंथ। आर एंड फाइन हेयर बन जाते हैं बच्चा अपनी पलकें भी झपकता है इधर देख लीजिए आके खोलेगा क्या बच्चा देखते हैं जरा गौर से इसे देखा आपने सिर पे बाल नजर आ रहे हैं आपको बच्चे की स्किन के ऊपर एक कोटिंग भी होती है दैट इज वर्निक्स कैसी

प्यार हो जाए अपने विषय से अपने सब्जेक्ट से ताकि फिर आपको पता ही ना चले कि दिन है या रात है बस हर समय आप अपने मकसद को पाने के लिए एकजुट होकर के लगे रहे वर्निक्स A इट इज कैसी चंद्रिका क्लियर है मेरे बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया था एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए आगे बढ़े नाउ नेक्स्ट क्या है जी मेरे पास एम्ब्रियो में होने वाले बदलाव का ये भी हम जिक्र कर रहे हैं यहां पे भी देखिए कि बच्चे के चारों तरफ

थर्ड ट्रेमेस्टर और सातवा महीना फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई मूवमेंट्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई मूवमेंट्स इंक्रीज आठवें महीने पे द स्लीप वेक साइकिल इज रेगुलेटेड बच्चे का भी स्लीप वेक साइकिल जो है अपना बन जाता है अन्वेषा ने सही कहा आज तक कह रही है बहुत क्यूट बेबी है बिल्कुल जी नौवें महीने पे द फीटर्स टर्न अप साइड डाउन देखिए हेड हैज मैक्सिमम डायमीटर तो बच्चे का सिर ऐसे घूम के नीचे आ जाता है द हेड एडजस्ट इट सेल्फ अक्रॉस सर्विक्स हेड हेज़ मैक्सिमम डायमीटर कंधों से ज़्यादा डायमीटर सिर का होता है सो हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट और कई बार ऐसा होता है कि हेड इज नॉट द प्रजेंटिंग पार्ट नॉर्मल वर्टेक्स पोजिशन नहीं है बच्चे के हिप्स बटक्स या पैर है प्रेजेंटिंग पार्ट ऐसे केस में हम नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी नहीं करते हैं फिर सजेरियन सेक्शन करना पड़ता है बाई द एंड ऑफ द नाइन मंथस ऑफ प्रेगनेंसी द फीचर्स इज फुली डेवेलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी गौर से देखिए मदर के रिप्रोडक्टिव uh, ट्रैक्ट के थ्रू बेबी किस तरह से बाहर आ रहा है हेड इज इट गुड टू यूज कैम्बल लाइक बुक्स फॉर रेफरेंस बिल्कुल कैम्बल इज अ वंडरफुल बुक इनफैक्ट मैं तो बहुत पसंद करता हूं उस किताब को जरूर पढ़िए सब्जेक्ट के साथ एक इंटरेस्ट डेवेलप कीजिए ना आप चलिए यहां पे फिर से देखिए आपको सारी स्टेजेस दिखाई गई कि किस प्रकार डेवलप हो रहा है। यू कैन सी द बेबी ग्रोइंग टेल लाइक स्ट्रक्चर जैसा भी आपको नजर आ रहा है ना बिकॉज कॉडेट्स का ये एक फीचर है। ना यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सोनोग्राफी के जरिए अल्ट्रासाउंड के जरिए हम देख पा रहे हैं डेवलपिंग बेबी के बारे में सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी यूजफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक हाँ इसका मिस यूज हो जाता है कि इसके जरिए हमें डेवलपिंग बेबी के जेनिटल सेक्स या उसका जेंडर भी पता चल जाता है और अगर ये चीज डॉक्टर डिस्कलोज करता है बच्चे के पेरेंट्स को देन इट इज अ लीगल ऑफेंस गैर कानूनी है यह कानूनन अपराध है कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग जो है या जेंडर जो है जो सेक्स जो है वो पेरेंट्स को Sonography or ultrasound is a very useful technique to study different kinds of. Um

पीडीएफ मिलने के लिए क्या करना है जी? PDF के लिए क्या करना है? आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना सारी डिटेल्स दी होती हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करो शेयर जरूर किया करो एंड मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूं कमेंट जरूर किया करो ब्रीच बेबी भी डिस्कस करूंगा निधि में अगली क्लास में क्लियर है मेरे बच्चे चलिए सो so, आज के इस सेशन के लिए इतना ही आई होप ऑल ऑफ यू यूट दिस सेशन सेशन अगला session इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है एंड हर फ्राइडे को पांच बजे मॉक टेस्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और ट्यूसडे एंड थर्सडे को थ्योरी लेक्चर्स होते हैं अब हम थर्सडे को मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में पार्चुरेशन हाउ द बेबीज डिलीवर्ड आउट क्या क्या अब हो सकती है ट्विन क्या होते हैं आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विन ये सारी बातें आपको अगले सेशन में बताऊंगा चलिए जी गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर नमस्कार बाय बाय जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को हिट कीजिए गॉड ब्लेस यू ऑल नमस्कार